हेलो गाइस, मैं स्कोतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि गाइस किसी भी कंपनी या फर्म में इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं। गाइस इनमें से जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर क्या है। यदि गाइस आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर क्या है तो आप क्या आंसर देंगे, तो गाइस मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँगा। जिन पार्टियों को हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं। जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं। और गाइस जिन पार्टियों से हम उधार माल खरीदते हैं जस्ट इसका अपोजिट, किसका? सन्ड्री डेटर का जस्ट अपोजिट। जिन पार्टियों से हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे सन्ड्री डेटर हैं और अकाउंट्स पेबल हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं। ठीक है, जिनको हम माल बेचते हैं, जिन पार्टियों को उधार माल बेचते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं, और जिन पार्टियों से हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। क्लियर? अब गाइस दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यदि क्रेडिट है तो उसका मतलब क्या है। मतलब यदि क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा सन्ड्री डेटर का। देखिए सन्ड्री डेटर का यदि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये है सन्ड्री डेटर की एडवांस पेमेंट हमारे पास आ चुकी है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। सन्ड्री क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस क्या कहलाता है? मतलब कि सन्ड्री क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका डेबिट बैलेंस क्या कहलाएगा। गाइस देखिए जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर का जो डेबिट बैलेंस है इसका आंसर है एडवांस टू सप्लायर्स। जिनसे हमने माल परचेज़ किया था उनको हमने एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब गाइस चौथा जो इसमें क्वेश्चन है वो है आईटीआर क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर की फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। तो गाइस मैं आपको बता दूं आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जिसके द्वारा इनकम और कर यानी कि टैक्स का विवरण दिया जाता है। ठीक है, आईटीआर क्या है? आईटीआर एक फॉर्म है जो कि जिसमें हम अपनी आय और टैक्स का विवरण देते हैं। क्लियर, अब उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आईटीआर कितने प्रकार की होती है। देखिए गाइस आईटीआर के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि गाइस किसी भी फर्म या कंपनी में आईटीआर सबकी भरी जाती है। ठीक है, अब उसमें डिपेंड करता है प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, या लिमिटेड फर्म है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। तो गाइस मैं इसका आंसर अब आपको बताने वाला हूँ। आईटीआर 7 प्रकार होते हैं, आईटीआर के 7 प्रकार होते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो गाइस मैं अब आईटीआर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइस मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब गाइस 6 क्वेश्चन है 3CB और 3CD क्या है। गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3CB और 3CD है क्या, क्योंकि गाइस अकाउंट से रिलेटेड है और मैक्सिमम कंपनीज का 3CB और 3CD फॉर्म जाता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं इसमें जो 3CB और 3CD है ये एक फॉर्म होता है जो कि टैक्स ऑडिट का फॉर्म होता है। क्या है? 3CB एक टैक्स ऑडिट फॉर्म है। ठीक है, अब गाइस 3CB अदर दैन कंपनीज के लिए होता है और 3CD इसको कोई भी भर सकता है। बट गाइस मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि गाइस मेरे पास और क्वेश्चंस हैं जो कि
मैं आपको आगे बताऊंगा। गाइस अब 7 जो क्वेश्चन है वो है GSTR 2A। तो गाइस GSTR 2A है क्या? यदि गाइस आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में GSTR 2A है क्या, तो आप क्या जवाब दोगे, आपका आंसर क्या होगा? गाइस देखिए GSTR 2A जो हमने माल परचेज किया है, वो पार्टी अपना GSTR 1 फाइल करती है। जिससे हमने माल परचेज किया है वो अपनी GSTR 1 फाइल करती है, वही हमारी GSTR 2A होती है। मतलब कि सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो हम माल परचेज करते हैं जिन पार्टियों से, वही हमारे GSTR 2 में शो होती है। मतलब कि एक तरीके से परचेज है हमारी, ठीक है। अब गाइस अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है GSTR 1 और 3B में कौन कौन सी डिटेल्स भरी जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा GSTR 1 की। तो गाइस जो GSTR 1 है उसमें हमारी सेल की डिटेल जाती है, मतलब कि भरी जाती है उसमें सेल की डिटेल। जो हम सेल करते हैं, माल बेचते हैं पार्टियों को, तो उसकी डिटेल उसमें भरी जाती है, ठीक है। सेल की भी, टैक्स की भी, तो दोनों ही उसमें भरी जाती हैं। और गाइस 3B में कौन कौन सी डिटेल जाती है? गाइस देखिए 3B में हमारी परचेज और परचेज की ITC की डिटेल जाती है, साथ में उसमें आउटवर्ड सप्लाई भी जाती है जिसको हम सेल कहते हैं, तो उसकी डिटेल भी साथ में हमारी GSTR 3B में जाती है, ठीक है। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है GSTR 2B क्या है। अब गाइस इससे पहले मैंने आपको बताया था 2B के बारे में, सॉरी 2A के बारे में, तो 2B क्या है? गाइस देखिए 2B में जो इनवॉइसेस आ रहे हैं, वो इनवॉइसेस हैं जिन्होंने अपनी टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल कर दी है, जिसने अपनी GSTR 1 टाइम से फाइल कर दी है, तो वही हमारे GSTR 2B में आते हैं। अब गाइस आप कहेंगे GSTR 2A क्या है फिर? गाइस देखिए 2A में तो हमारी वो शो हो जाएगी ITC, मतलब कि आपका इनवॉइस उसमें चढ़ जाएगा 2A में। बट गाइस ITC आपको कब मिलती है? जब वो 2B में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस मैं सबसे जो लास्ट मेरा क्वेश्चन है वो है फॉर्म 26AS क्या है। तो गाइस आपसे यदि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं फॉर्म 26AS क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो गाइस इसका आंसर है फॉर्म 26AS। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 26AS फॉर्म वह फॉर्म है जिसमें TDS की सभी डिटेल्स दी जाती हैं, क्लियर। तो गाइस ये थे 10 क्वेश्चंस जो कि गाइस आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि गाइस देखिए इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये कोई निश्चित नहीं होता है कि इंटरव्यू में ये फिक्स किया गया है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाइस देखिए जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, वो आपसे अकाउंट्स में कुछ भी पूछ सकता है, एवरीथिंग। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको सब नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की अकाउंट से रिलेटेड। तो गाइस मैं अपनी वीडियोस में ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ जो कि हर एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।